हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट आम पन्ना की रेसिपी। कोई बड़े चक्कर नहीं करने, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी मन करे आप 5 मिनट के अंदर अंदर आम पन्ना बनाकर पी सकते हैं। आम पन्ना वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों में आम पन्ना पीने से आपको ठंडक मिलेगी, लेकिन इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है तो ठंडा आप मत पिए, पर ये आपको वैसे अंदरूनी ठंडक देगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरे आम पन्ना की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और आपका आम पन्ना कैसा बना है ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो चलिए आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पका हुआ आम ले लिया है और एक मैंने ये कच्चा आम लिया है। तो आज हम इंस्टेंट बनाएंगे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम आम पन्ना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों आम को अच्छे से काट लेंगे। पका हुआ आम अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और कच्चा आम तो खट्टा होता ही है। तो दोनों का मिक्स करके बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले हम दोनों आम को अच्छे से काट लेते हैं। तो दोनों आम को मैंने अच्छे से काट लिया है, थोड़ा छोटा छोटा काटा है। अब यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है मैंने, तो दोनों आम को एक साथ ही हम जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम बिल्कुल स्मूथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आम और कच्ची अम्बी को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है, और अब हम यहाँ पे मसाले ले रहे हैं। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च ली हुई है पिसी हुई, ये थोड़ा सा मैंने चुटकी सा पुदीना लिया है, पुदीने का पाउडर है ये, और ये 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। तो ये मसाले हम आम के इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को हम इसमें मिला लेते हैं, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी डाल के हम इसे एक बारी दोबारा मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब मैंने पानी डालकर और मसाले डालकर भी अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे चीनी। 3 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ली है। अगर आम ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी कम कर सकते हैं, या अगर आम ज़्यादा मीठा नहीं है तो चीनी बढ़ा भी सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं या चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बारी फिर से मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में चला लूँगी। तो इंस्टेंट आम पन्ना हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया था, और पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, गाढ़ा या पतला रखना ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे ठंडा करके भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बर्फ़ नहीं मिलाई है, ना ही मैंने इसमें ठंडा पानी मिलाया है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो हमें थोड़ा से ठंडे से परहेज ही रखना है। तो मैंने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही बनाया है। आप चाहे जैसे भी पी सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, गर्मियों में ये बहुत ठंडक देता है। आप इसे ज़रूर बनाना, और बनाना इसे बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। कोई इसे आम को उबालना नहीं है, ज़्यादा देर का टाइम भी नहीं लगना। जब भी मन करे फटाफट से बना के आप इसे पी सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करना। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।